तो हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं HPCL की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो करेंट ओपनिंग में यहाँ पर देखना क्या क्या है। एक रिक्रूटमेंट ऑफिसर पोस्ट पे है एंड और एक R&D, मतलब कि दो दो यहाँ पर बोल सकते हैं, एक बम्पर वैकेंसी आया है। इसमें आप लोग क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा कुछ आपको बताऊंगा। एंड इसमें चाहे आप फ्रेशर्स हो या फिर एक्सपीरियंस, दोनों के लिए, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना यार। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लिए सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों का आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट। तो चलो मैं डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये जो है 24 पेज का है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिए, 18 अगस्त से स्टार्ट हो गया है एंड इसका 18 सितंबर तक, मतलब कि एक मंथ का आपका टाइम है फॉर्म फिलअप के लिए। एंड बात करूँ आगे, मैकेनिकल में 57 वैकेंसी है एंड मैक्सिमम एज लिमिट है आपका 25 होना चाहिए। एंड यहाँ पर देखो, 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। BBTEC हो तो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक्सपीरियंस नो दिया हुआ है, यहाँ पर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है ये इंजीनियरिंग का पोस्ट के लिए। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन सन वालों के लिए सिविल है, एंड फिर केमिकल है, ये आपका है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है और एंड नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत अच्छा है, मतलब देखो काफ़ी अच्छा है। एंड जो एक्सपीरियंस वाला भी है तो यहाँ पर लगभग 2-3 ईयर का, यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस देखो। फिर सीनियर ऑफिसर, इसमें भी आपका 3 ईयर का यहाँ पर देख सकते हो। ये आप लोगों को मैं मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लेना। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में दिया हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए वो है। यहाँ पर देख लो, 50,000 से 1,60,000 ये विदाउट एक्सपीरियंस वालों के लिए है एंड एक्सपीरियंस वालों के लिए 60,000 से स्टार्ट है एंड 1,80,000 है। तो प्री मेडिकल भी होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट मैं बता देता हूँ कि शॉर्ट लिस्टेड एंड सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा आपका। फिर सिलेबस भी दिया हुआ है, को मैं बता दूं एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर STSC PWD के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर आपका अदर कास्ट वालों के लिए, जनरल OBC NCL EWS वालों के लिए काफ़ी अच्छा खासा आपका दे दिया है यार। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देख सकते हो, 1,180 रुपये दे दिया है। तो चलो मैं नेक्स्ट जो आया था, नेक्स्ट जो है उसके बारे में बता दूँ, तो नेक्स्ट जो है वो ये वाला, इसमें ओवरऑल पूरा आपका एक्सपीरियंस पे ही है, अच्छा खासा दिया हुआ है, 15 ईयर का एक्सपीरियंस। चलो मैं ओपन करके थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पर इसका भी डेट आज से 18 से स्टार्ट हो गया एंड 30 सितंबर तक इसको चलेगा। तो यहाँ पर देखो, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर सैलरी भी अच्छा खासा है एंड बात करूँ मैक्सिमम एज 48-50 तक दिया हुआ है यहाँ पर, अगर देखोगे तो एज, क्योंकि हाँ एक्सपीरियंस 15 ईयर का मांगा है तो एज भी काफ़ी अच्छा खासा ही होगा एंड 12 ईयर, 9 साल का, 9 साल का भी एक्सपीरियंस का है, तो काफ़ी सारा है। ये आप लोग को, ये दोनों का आपको, आप लोग ऑफिशियल साइट पे भी ट्रेवी डाउनलोड कर लेना, मैं ऑफिशियल साइट का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा एंड टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर भी देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।